राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में भारी गुटबाजी सामने आई थी। पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उपजे विवाद जग जाहिर थे। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका अब क्या होगी, उनका कद बढ़ेगा या घटेगा, इससे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर करने के लिए जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनाव से जुड़े मसलों का महासचिव बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की भी चर्चा चल रही है। गहलोत की भूमिका को लेकर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी गंभीर है। अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राहुल गांधी और जितेंद्र प्रसाद पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अशोक गहलोत के वरिष्ठता को देखते हुए संगठन में एक यही पद है जो उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि गहलोत पहले महासचिव रह चुके हैं। पार्टी इस बात को लेकर भी मंथन कर रही है कि अशोक गहलोत को चुनाव संबंधी मामलों का प्रभारी महासचिव बनाया जाए। इसके लिए वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पर किया जा सकता है और नई पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। अशोक गहलोत कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। हाल ही में अमेठी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत के ही हाथ में थी। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर भारी गुटबाजी है, ऐसे में कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि राजस्थान में गुटबाजी खत्म हो। इसके चलते ये फैसला लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में लाकर उन्हें राजस्थान से दूर किया जा सकता है। कांग्रेस की इस रणनीति से राजस्थान में अशोक गहलोत का कद बढ़ेगा या कम होगा, या आने वाले वक्त तय करेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।